नमस्ते स्टूडेंट्स, इन चैप्टर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो वी आर स्टडिंग अबाउट यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और कल हमने इसमें स्टडी किया था कि मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा। इसी प्रकार से ईस्ट एक बेनिफिशियल फंगी है जो इडली, डोसा, ब्रेड और केक बनाने में यूज होता है। ईस्ट की वजह से ही फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में भी कल हमने स्टडी किया था। इसी में आज हम स्टडी करेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका मेडिसिनल यूज़ भी है। मेडिसिनल यूज़ का मतलब है कि मेडिसिन बनाने में यूज़ किया जाता है। तो कुछ फंगी और बैक्टीरिया होते हैं जो मेडिसिन बनाने में यूज़ होते हैं। इन मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक मेडिसिन कहते हैं। एंटीबायोटिक मेडिसिन जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज फैलाते हैं, बीमारी फैलाते हैं, उनको किल करने का काम करती है। इस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिनल यूज है। इसके अलावा मेडिसिनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हम सब जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन फ्री अमाउंट फ्री है। और हम ये भी जानते हैं कि जो प्लांट होते हैं उनको अपनी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। अब ये नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है वो उनको डायरेक्ट नहीं मिल पाती है। तो कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे, ये इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन का काम करते हैं, जिससे कि नाइट्रोजन सोल्यूबल फॉर्म में आ जाती है और जो प्लांट्स होते हैं वो उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और वो प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होती है और सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करती है। इसमें जो नेक्स्ट है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरनमेंट को भी क्लीन करते हैं। कैसे क्लीन करते हैं? जो एनिमल्स और प्लांट्स के डेड ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उनको वो डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज करने के बाद जो वो वेस्ट होते हैं वो दूसरे प्लांट के द्वारा यूज कर लिए जाते हैं और इस प्रकार से एनवायरनमेंट की क्लीनिंग हो जाती है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे जो हमारे लिए हार्मफुल हैं। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए हार्मफुल है वो डिसीज फैलाते हैं, बीमारी फैलाते हैं। तो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजन कहते हैं। अब पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं थ्रू एयर, वाटर एंड ऑल्सो बाई स्किन। इन सब के द्वारा पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं, देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर ऑफ पैथोजन्स, फॉर एग्जांपल हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो। इसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स भी होते हैं जो पैथोजन्स के कैरियर का काम करते हैं। कैरियर मीन्स कि पैथोजन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करते हैं, जैसे कि हाउस फ्लाई और मॉस्किटो। हाउस फ्लाई जो घर में मक्खी होती है उसको हम हाउस फ्लाई कहते हैं। तो मक्खी किसी खाने की चीज़ पर बैठती है और वही मक्खी किसी गंदगी वाले स्थान पर बैठती है। तो जो गंदगी वाले स्थान पर बैठती है तो वहाँ से कुछ हार्मफुल माइक्रोबियम को अपने साथ ले आती है और किसी खाने की चीज़ पर छोड़ देती है। उस खाने की चीज़ को अगर हम खा लेते हैं तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और डिसीज फैलाते हैं। इसी प्रकार से जो मॉस्किटो होते हैं, मॉस्किटो से डिसीज होती है मलेरिया। तो मॉस्किटो में जो फीमेल मॉस्किटो होती है एनिफेलिस मॉस्किटो, वो मलेरिया का फैलाने का कारण बनते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म केवल ह्यूमन और प्लांट्स के ही हार्मफुल नहीं होते बल्कि एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल होते हैं। एंथ्रेक्स एक डिसीज है जो बैक्टीरिया के द्वारा होती है। इसी प्रकार से फूट एंड माउथ एक डिसीज है जो कैटल्स में होती है, वायरस के द्वारा होती है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है? कम्युनिकेबल डिसीज द डिसीजेज विच कैन गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट और कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेज और इन्फेक्शियस डिसीजेज। वो डिसीजेज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्थी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती है, ट्रांसफर हो जाता है उनका। अगर एक व्यक्ति को बीमारी है तो वो जो बीमारी है वो अगर वो दूसरे एक हेल्दी व्यक्ति के संपर्क में आए तो उस हेल्दी व्यक्ति को भी वो बीमारी हो जाएगी। तो
ऐसी डिसीज को हम कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिसीज कहते हैं। ये डिसीज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी होती है या इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी होती है। इनडायरेक्ट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट का मतलब है फिजिकल कॉन्टेक्ट से, और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट का मतलब है कि अगर एक हेल्थी पर्सन एक इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में आया है या उसका यूज़ किया हुआ सामान यूज़ कर रहा है, तो उसके द्वारा भी ये कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड होती है, फैलती है। फॉर एग्जाम्पल टाइफॉइड, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस। नाउ वी विल स्टडी अबाउट फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होती है? फूड पॉइजनिंग अकर्स ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड पॉइजनिंग तब होती है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी फूड को स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं जैसे कि मॉइस्चर कंटेंट और थोड़ा वार्मनेस, तो ये क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। ग्रो करने पर जिस फूड पर ये ग्रो करते हैं फूड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खराब कर देते हैं। और जब वो खराब फूड किसी के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तो उसको बीमारी हो जाती है। आई होप यू विल स्टडी दीज टॉपिक्स एट योर होम केयरफुली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।